लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, धार्मिक स्थल है, बहुत अच्छा जगह घूमने का। ये देख लो दोस्तों, हम लोग टिकट ले चुके हैं। भीड़ तो लग रहा है काफी ज्यादा यार। ये है पहला टनल। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया गया जंक्शन। ये देख लो आप, संबोधि द्वार, मगध टेस्टी स्वीट। यहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। ये है मुख्य द्वार महाबोधि टेम्पल का, और वो आपका दिख रहा है मंदिर। काफी सारे लाइन लगे हुए हैं। यहाँ पे अपना बैग मोबाइल जमा करने का रहता है। ओके, इधर से एक रास्ता है जो कि आपका जगन्नाथ टेम्पल की ओर जाता है। श्री राम जानकी मंदिर ये रहा। आपको यहाँ पे कुछ कुछ मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पास में यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट वगैरह आप लोगों को गेस्ट हाउस दिख रहे हैं। ये देख लो दोस्तों, बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे है। ये देख सकते हो आप, गौतम बुद्ध जी का स्टैचू कितना बड़ा है। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माई चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ अभी कोडरमा जंक्शन में, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8, ठीक है। ये देख लो आप, और प्लानिंग कुछ ऐसा बन रहा है कि यहाँ से मुझे जाना है गया, और वहाँ पे मेरा एक दोस्त है प्रिंस, और उसके साथ फिर निकलना बोध गया। लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, धार्मिक स्थल है, बहुत अच्छा जगह घूमने का, तो सोचे क्यों ना चला जाए और एक्सप्लोर किया जाए वहाँ पे जा करके, ठीक है। तो फिलहाल मैं हूँ प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन आने में कुछ ही क्षण है, तो चलते हैं वहाँ पे। लोकेशन आप लोग को दिखाएंगे, जैसा होगा ब्लॉग में एवरीथिंग आप लोग को डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये देख लो ट्रेन आ चुकी है ना, इसी से जाना है, तो चलते हैं। भीड़ तो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है यार, कोई इश्यू नहीं है, देखते हैं कहाँ पे सीट मिलता है, चलिए। ये देख लो 8:10 हो चुकी है और ट्रेन भी हमारी खुल चुकी है, ठीक है, कोडरमा जंक्शन से। चलिए सफ़र का मज़ा लेते हैं, और आप लोग को जैसा को ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा सब कुछ। ओके, बने रहिए ब्लॉग के साथ। ये देख लो दोस्तों, ये है पहला टनल। आप अंदर के नज़ारे देख सकते हो। देख लो दोस्तों, हम लोग पहाड़पुर अभी पहुंचे हैं, ये पहाड़पुर स्टेशन है। फिलहाल तो अभी बाहर नहीं निकल रहे यार, सीट वीट एकदम कहीं इधर उधर ना हो जाए, बहुत मुश्किल से विंडो सीट मिला है, ठीक है। तो सफ़र का मज़ा लेते हैं, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे हम लोग यहाँ। A few inches later. So I have reached my destination. As you can see, Gaya Junction. पहुंच गए हम लोग, ओके। चलिए उतरते हैं ट्रेन से, उसके बाद जैसा होता आप लोग को बताते हैं, ओके। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया गया जंक्शन। ये देख लो आप, ओके। तो चलिए प्रिंस को कॉल करते हैं और पूछते कहां तक पहुंचा है, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर यहां से हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे बौद्ध गया के लिए, ओके। तो चलिए, सुन रहे थे उसको इधर, अरे खड़ा है इधर, क्या बात है, सब ठीक बा? तो आवे में बड़ी देर कर दिलवानी, क्या बात है। दोस्तों ये देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बिल्डिंग, रिजॉर्ट वगैरह है, और ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए हैं, ठीक है। मेन गेट बस कुछ देर और है, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का लोकेशंस है, दिखाते हैं आप लोग ब्लॉग। यहाँ से भी हम लोग लेफ्ट ले लिए हैं, इधर से ही मेन एंट्री गेट है इसका, संबोधि द्वार, बड़ा खूबसूरत द्वार है ये। इधर से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं महाबोधि टेम्पल की ओर। ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी। ये आ गए हम लोग एक जगह पे, मगध टेस्टी स्वीट। यहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, ओके। बहुत देर भूख लग गया हम लोग को यार, काफ़ी। कितना किलोमीटर होगा भाई अभी यहाँ से स्टेशन वहाँ से? स्टेशन वहाँ से, स्टेशन से यहाँ, हाँ 17-18 किलोमीटर अभी आए वहाँ से, नाश्ता वास्ता करते हैं फिर डायरेक्ट निकलेंगे महाबोधि टेम्पल, ओके। चलिए चलो जी, फाइनली अपन नाश्ता के लिए इडली खा रहे हैं। क्या जी, कितना का इडली? इधर थोड़ा सा रेट हाई रहता है, ओके, ये आप लोग जान लो थोड़ा। चलिए नाश्ता, तो यहीं से शुरू होता है हम लोग का सफ़र,
बौद्ध गया का महाबोधि टेम्पल, अब यहीं से एंट्री होगा। ओके देखते हैं बाहर से ये सब कुछ लुक है। मार्केट इधर का काफ़ी भरा भरा है। ओके आपको एक से एक पिलग्रिम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अलग अलग देश से आए हुए। मार्केट भी काफ़ी तगड़ा है। फाइनली अपन पहुँच चुके हैं। ओके और आप लोग को यहाँ से नज़ारे दिखाते हैं। कुछ जगह पे जा करके वीडियो स्टॉप हो जाएगा मेरा, क्योंकि अंदर मोबाइल यहाँ देता नहीं है। यहाँ पे आगे को भी देखते हो काफ़ी सारे लाइन लगे हुए हैं, ये आप देखो। चलते हैं आगे, जो मेन एंट्री गेट आप लोग को दिख रहा है ना, ये देखो वहीं पे हम लोग अभी जाने वाले हैं। दोस्तों ये देख लो, ये है मुख्य द्वार आपका महाबोधि टेम्पल का, और वो आपका दिख रहा है मंदिर, मेन मंदिर वही है। इसके अंदर मोबाइल ले जाने नहीं दिया था उधर, तो हम लोग को मोबाइल अभी सबमिट करना होगा उधर जा करके, और भी सामान वगैरह। इधर निरीक्षण भवन, बोध गया, ये सब देख लो। ठीक है चलिए मोबाइल सबमिट कर देंगे। मैंने सोचा था यार कितना अच्छा अंदर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे अंदर और क्या क्या है, बट कोई इशू नहीं है, और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे। मेन मंदिर में तो मोबाइल वगैरह ले जाने नहीं दिया जाता, इसलिए हम लोग अभी मोबाइल वगैरह फ़ोन वगैरह जमा नहीं करेंगे। इधर से एक रास्ता है जो कि आपका जगन्नाथ टेम्पल की ओर जाता है, तो सबसे पहले हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ से हम लोग कहाँ कहाँ तक व्यू कैप्चर कर पाते हैं। ओके चलिए, ये देख लो जगन्नाथ टेम्पल जाने का रास्ता इधर से है, और ये रहा आपका जगन्नाथ टेम्पल। ओके मेन जो आपका बौद्धि वाला ये है आपका मंदिर, ये आप जो देख पा रहे हो यही है। ओके इस ग्लास के उस साइड से आप लोग जाओगे तो विदाउट मोबाइल विदाउट स्मार्ट वॉच, बट इधर साइड आप यहाँ से कवर कर सकते हो बाकी व्यू वगैरह। बट मुझे लगा था अंदर जाने दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। चलिए देखते हैं यहाँ से कितना दूर तक हम लोग व्यू कैप्चर कर पाएंगे। ओके चल जल्दी आ। तो ये देख लो आप, यहाँ से जो एंट्री गेट है मेन टेम्पल का, महाबोधि टेम्पल जो कि है आपका महाविहार। ओके यहाँ से अंदर नहीं दिया, आगे जाने दे रहा। बहुत सोचे थे यार अंदर जाते बहुत अच्छा अच्छा व्यू लेते, बट नहीं जाने दिया यार। ओके चलिए इधर चलते हैं अपना जगन्नाथ टेम्पल की ओर। ये देख लो इधर फ्लावर्स वगैरह और क्या क्या यहाँ पे पूजा सामग्री वगैरह रखा पड़ा है, और ये आपका मेन गेट है जगन्नाथ टेम्पल का, यहाँ पे बौद्ध गया हमें। ओके चलते हैं पहले देखते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, सबको एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज, बट फिर भी जितना हो पाएगा आप लोग को दिखा देंगे। ये देख लो आप श्री राम जानकी मंदिर, ये रहा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर भी। और इधर एक स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बौद्ध गया, ये देख सकते हो आप। और आगे जाते हैं देखते कहाँ कहाँ पे मंदिर और सब है। ओके लागू बने रहे फिलहाल के लिए, तो टूरिस्ट गाइड बना हुआ है प्रिंस हमको सब यही दिखा रहा है। बहुत साल पहले आए थे हम, 7th क्लास में थे तब आए थे पहली बार, और उस टाइम ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि फ़ोन अंदर नहीं ले जाना है, और बड़ा बड़ा फ़ोन भी उतना नहीं हुआ था पूरा था, ठीक है सबके पास। तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से निकल करके। इधर से आप मेन गेट से आओगे तो यहाँ पे आपका चेकिंग होगा, एक और अंदर भी आपका चेकिंग होता है। ओके सो यहाँ पे आपको सब चीज़ देख सुन करके ही लाना, सब तो जमा हो जाता है। वैसे यहाँ से भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं अपना फ़ोन बैग स्मार्ट वॉच वगैरह जो भी है सब सारा चीज़ जमा करने के लिए। तो दोस्तों ये देख लो यहाँ पे आपका जूता चप्पल निःशुल्क सेवा, यहाँ पे आप अपना जूता चप्पल सबमिट कर सकते हो, और यहाँ पे अपना बैग मोबाइल जो भी आपका रहेगा वो सारा चीज़ यहाँ पे जमा करने का रहता है। ओके टोकन सिस्टम है, आप यहाँ पे जमा कर दो और टोकन ले लो। ओके चलिए जमा उमा करते हैं फिर अंदर जाते हैं टेम्पल, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। A few moments later, देख लो उसी के बगल में एक ठो यहाँ पे आपका है जय श्री महाबोधि विहार टेम्पल टाइप से, इसका लुक यहाँ से देख लो आप। आसपास बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं यहाँ पे उस टाइप के, तो ये आप देख लो इधर। ओके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गौतम बुद्ध जी का मूर्ति है। चलिए इस मंदिर के अंदर जो टेम्पल का व्यू है वो आप लोग को दिखा देते थोड़ा, ठीक है। ये आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, ये आप देख लो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से आप ये नज़ारा देख लो, इधर भी काफ़ी खूबसूरत आ रहा व्यू वगैरह। ये देख लो इधर जो मार्केट है आसपास का, उसके जस्ट बगल यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ कुछ मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिल जाएगा। ओके ये देख लो बहुत खूबसूरत माला मूर्ति बैंड, ठीक है ये आप देख लो। तो कुछ भी आओगे तो आप परचेजिंग कर सकते हो यहाँ से। ओके
दोस्तों पास में यहाँ पे बहुत सारे होटल्स रिजॉर्ट वगैरह आप लोगों को गेस्ट हाउस दिख रहे होंगे और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मूर्तियाँ हैं ये देख सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे मूर्तियाँ और भी कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। मार्केट मतलब यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा देखने को, जो भी आप परचेजिंग करना चाहोगे यहाँ से कर सकते हो। बहुत अलग अलग तरह का मार्केट है यहाँ पे। ओके, ये देख लो आप, बड़ा अच्छा लग रहा है इसको। दोस्तों मेन टेंपल के थोड़ा पहले ही इधर मार्केट आप देख लो इधर का, और ये आप देख सकते हो महाबोधि चाइनीज टेंपल है। ओके, आप इधर से देख लो नज़ारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी एक से एक टेंपल यहाँ पे भरे पड़े हैं, ये आप देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके, चलिए अंदर देखते हैं क्या है नहीं है। ये देख लो बैक व्यू, और यहाँ से आप ये देख लो इसके अंदर का नज़ारा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पे लगा हुआ है। ये देख लो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैप हैं और क्या क्या यहाँ पे, ये देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे मूर्तियाँ हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सामान वगैरह देख लो यहाँ पे इसको। बहुत अलग अलग तरह के हैं प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ये देख लो दोस्तों बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे है। ये देख लो यहाँ से नज़ारा, ये एक एंट्री गेट है और अंदर जाकर के आप लोग को दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे एक स्टैचू आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ देख लो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के। यहाँ से आप लोग को जो नज़ारे दिखाएंगे ना वो क्या ही बताएं, बहुत ज़बरदस्त है। जस्ट वेट दोस्तों, मेन टेंपल जो महाबोधि टेंपल वहाँ पे तो नहीं करने मिला वीडियोग्राफी वगैरह फ़ोटो क्लिक करना, वहाँ पे पहले मोबाइल सबमिट हुआ था। ठीक है, लेकिन अंदर जाकर के जो अलग ही इन्वायरमेंट था वहाँ का, एक अलग शांति था वहाँ पे। ठीक है, बिना मोबाइल का भी एक अलग ज़िंदगी जो होता ना, वहाँ जा करके लगा दर्शन किए गौतम बुद्ध जी का मेन मंदिर में जा करके, बहुत अच्छा लगा। खूबसूरत इतना सजावट था ना मत ही पूछिए। ओके, और अभी 18th समथिंग कुछ कुछ इन लोगों फेस्टिवल टाइप कुछ कुछ चल रहा है, सो बहुत डेकोरेटिव किया था, बहुत डेकोरेट किया था। तो दूसरा जगह हम लोग आसपास का मंदिर घूम रहे हैं, और एक यहाँ पे स्टैचू आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत सुंदर है गौतम बुद्ध जी का। वेट, ये देख लो आप, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। थोड़ा और पास में आप लोगों को जगह के दिखा, ये देख सकते हो आप गौतम बुद्ध जी का स्टैचू कितना बड़ा है। ठीक है, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, अंदर भले ही थोड़ा सा मन मार करके ही मतलब घूमना पड़ा अच्छा से, बट ये देख लो आप बहुत सुंदर लग रहा है स्टैचू, है ना। और आसपास का एनवायरनमेंट आप देख लो नज़ारा। चलिए थोड़ा और अंदर चलते हम लोग और घूमते हैं। हमको तो लगा था कि प्रिंस हमको यहीं से घुमा देगा क्या प्रिंस, लेकिन ये वाला जगह लाया बहुत अच्छा लगा। मेन मतलब मेन मंदिर से क्या 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 पैसा लगे, कितना पैसा चाहिए तुमको? 150 रुपये दे। सही बात है, खैर जो भी अच्छा लगा करके। ठीक है, हम थोड़ा सा सोचते निराश हो जाएंगे यार देख करके, बट इधर का लुक वगैरह यहाँ पे अच्छा लगा इसे मूर्ति वगैरह देख करके। मेन चीज़ था कि आप लोग को दिखाना था ना, मैं मेरे ऑडियंस से पता है। हाँ, लगभग 50% लोग आते हैं मेन टेम्पल घूम के चले जाते हैं, लेकिन इधर नहीं आता है शायद ही कोई। हम भाई चौथा पांचवा बार में इधर आए थे जब यहाँ रहने लगे थे। अच्छा, और भी मंदिर है कुछ कुछ, आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते। मतलब कि आप समझ लो कि मेन टेम्पल घूम करके बहुत लोग वापस चले जाते हैं, बट जैसा कि बताया प्रिंस की पहले 3-4 बार ये भी चला गया था, बाद में जब पता चला कि आसपास और भी अच्छे अच्छे मंदिर हैं और घूमने लायक जगह है, तो फिर इधर आकर के एक्सप्लोर किए हम लोग। ओके, इधर ये आप देख लो इतने सारे स्टैचू हैं, सब उनके शिष्य हैं गौतम बुद्ध जी के, एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, बहुत ही सबका स्टैचू वगैरह यहाँ पे लगाया गया है, ये साइड से है। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं कहाँ हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे मंदिर घूम लेने के बाद, गौतम बुद्ध का जो स्टेचू था वो घूमने के बाद, अपन यहाँ आए हुए हैं। ये देख लो न्यू फेमस दिलबहार चाट है ना, यहाँ पे भैया जी अपन लोग को गुपचुप खिलाएंगे। अभी कितने खिला रहे भैया, 10 के? 10 के 5 है। अच्छा, लेकिन भैया हम लोग को बोले 6 खिलाएंगे। ठीक है, ये बस राजस्थान में हम लोग देखते हैं।
चलिए अब उधर चलते हैं टेंपल की ओर, दिखा दूँ। हाँ, उस टेंपल की ओर हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों एक ये मंदिर देख लो आप, ठीक है, कर्मा थारजय चोखुरलिंग कगयुपा वजय रमा, पता नहीं, कर्मा टेंपल याद रखो आप, जो भी है। अभी बंद हो गया पता नहीं क्यों, बट यहाँ से आप अंदर से नज़ारा देख लो, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है ये, देखो है ना। अंदर तो जा नहीं पाए, जाते तो दिखा पाते अंदर से, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा टेंपल की ओर। तो दोस्तों बहुत सारा मंदिर घूम लिया हम लोग, मतलब जहाँ जहाँ खुला था, और अभी टाइमिंग ऐसा हो गया कि 12:30 के ऊपर हो गया। ओके, तो अभी मंदिर वगैरह बंद हो गया है, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। इधर आप ये देख सकते हो, यहाँ का महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र है बोधगया का। ओके, काफ़ी बड़ा लग रहा है। यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग। तो दोस्तों ये देख सकते हो, यहाँ से अब एग्जिट हम लोग ले रहे हैं, यही गेट से एंट्री लिए थे जो, ठीक है, जो फंक्शन का नाम बता रहे थे, देख सकते हो इंटरनेशनल टीपी काटा चंटिंग सेरेमनी कुछ है 18th करके। और यहाँ से हम लोग अभी ये हाईवे ही है ना, ये हाईवे ही रेडी हो रहा है, वही यही है। अच्छा, ये मेन रोड तैयार हो रहा है, अभी ओवरब्रिज वाला काम चल रहा है, इधर से हम लोग वापस जा रहे हैं।